आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ नहीं, गलती सही हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है जी। टूबा टेक सिंह के अंदर एक ऐसा सानिया हुआ जिसने सबकी रूह को झिंझोड़ के रख दिया, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जो घर के मुहाफिज हैं, बहनों के भाई, बहनों का बाप, बेटियों का बाप, वही दरिंदा निकलेगा। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जा रहा है उसमें नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब कल की जो कार्रवाई हुई है उसमें फैसल और उसके बाप को अदालत में पेश किया गया। अब अदालत के अंदर क्या क्या मामलात हुए और दूसरी क्या चीज़ें सामने निकल के आईं, असल कातिल कौन है, इसमें कौन कौन मुलव्वस है, वो सारी डिस्कस आपसे करते हैं। बाकी के जो पिछले मामलात हैं वो पिछली वीडियो में बोले जा चुके हैं, बार बार उनको दोहराना बेहतर नहीं। जब इनको अदालत में पेश किया गया तो मीडिया के सामने उनके बाप ने भी खामोशी रखी, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन फैसल बिल्कुल वैसे ही डिटाई के साथ, आंखों में आंखें डालकर बेशर्मी के साथ बात कर रहा था। अदालत के अंदर गए तो बाप ने चेहरा नीचे किया हुआ था और कोई भी सवाल पूछा जा रहा था उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, और बेटे से भी सवालात हुए। और उसके बाद पुलिस ने अब जो चीज़ बताई है, पुलिस ने बताया कि इनमें से जो फैसल है उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और जो जो इल्ज़ाम उस पर लग रहे थे वो उन सब में मुलविस है, लेकिन बाप जो ज़्यादती के मामलात हैं उनमें मुलविस नहीं है। लेकिन बाप बिल्कुल ये ना कहें कि बेगुनाह है, बाप भी कहीं ना कहीं इस सारे घिनौने काम में शामिल है, क्योंकि बाप के सामने उसकी बेटी को मारा जा रहा था और बाप बेटे को पानी पेश कर रहा था। और जो वीडियो बनाने वाला बंदा है शबाज, अब शबाज ने क्या किया है, उसने वीडियो बनाई। अब क्या आपको क्या लगता है कि वीडियो बनाई है तो वो बेगुनाह है? वो भी इनके साथ शामिल है, उसकी तरफ से भी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उसकी बीवी जो है उससे बड़े क्रॉस सवाल किए जा रहे हैं। और शबाज जो कह रहा था कि मैं चौक आज़म गया हुआ था वहाँ पे काम के सिलसिले में, सबसे बड़ा झूठ तो उसका ये है। और उसके बाद उसने जब मारिया को अस्पताल ले जाने का बहाना किया वो भी एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि वो अस्पताल लेके ही नहीं गए, वहीं पे ड्रामा किया और उसके बाद सुबह उसको दफना दिया। अब शहबाज और उसकी बीवी का जो है वो रिमांड लेना चाह रही है पुलिस। अब पुलिस की कोशिश है कि इनका 6 दिन का रिमांड लिया जाए कम से कम, आगे देखते हैं क्या बनेगा। और इन सारे मुजरिमों को जो लाहौर लेकर गए थे वहाँ पर इनके डीएनए लिए गए हैं, और डीएनए की रिपोर्ट अमूमन काफ़ी लेट आती है, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इनकी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी, और उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन उसके साथ ज्यादती में मुलव्वस था। अभी तक जो मामला चल रहे हैं उसमें उनका जो बाप है उसने भी इनकार कर दिया ज्यादती से, शिबाज ने भी इनकार कर दिया, फैसल जो है उसने इकरार किया है। और ये जितने लोग इनकार कर रहे हैं ये इस केस से बच नहीं सकेंगे। अब कुदरत का निज़ाम देख लें कि इन लोगों ने एक जुल्म किया अपने घर के अंदर, छत के अंदर कमरे में छुपकर, और कुदरत ने इनको ऐसा जलील किया, इन्हीं से वीडियो बनवाई, इन्हीं से वीडियो लीक करवाई और इन्हीं के हाथों बाप तक को रुसवा करवा दिया। पूरी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब खामोशी या नजरें झुकाने से क्या होगा? क्या मारिया वापस आ जाएगी या उसके साथ जो इन्होंने जुल्म किया वो वापस आ जाएगा? अब जो औरत उसकी बहन उसको नहला रही थी उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि आपकी रूह कांप जाए। उसका कहना था कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ से भी ब्लड निकल रहा था, नाक और आंखों से तो जो ब्लड था ही था, उसके इस साइड में जो चोटें लगी हुई थी वो भी थी, गर्दन टूटी हुई थी और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड निकल रहा था। इन लोगों ने न जाने कितना जुल्म किया, अगर वो ज़िंदा होती तो शायद बता पाती, या फिर शायद शर्म के मारे मुंह ही ना खोल पाती। इनके ताया जान बताते हैं कि मेरा भाई जो है वो मेरे पास बैठा होता था बाहर डेरे पर, और वो मारिया जो है वो रोज़ाना इसके लिए चाय बना कर लाती थी, इसकी बड़ी खिदमत करती थी, लेकिन बाप ने बेटी को ये सिला दिया, बजाय इसके कि बेटे को मारता जिसने ये जुल्म किया था, बेटी को मरवा दिया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जैसे ही इसमें कोई नई पेशरफ्त आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक यही है कि मुजरम जो हैं वो अदालत में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे। शहबाज और उसकी बेगम का जब रिमांड लिया जाएगा तो उसके बाद मालूम होगा कि वो क्या कहते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।